बाल झड़ने के तो कई कारण हो सकते हैं। आपकी इंटरनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा हो वो भी हो सकता है, या फिर आप जो है अपने बालों का प्रॉपर केयर नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, ये भी एक कारण हो सकता है। कारण कोई भी हो, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो बिल्कुल भी आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। हेयर फॉल साइन होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, या फिर आपके बालों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जिस वजह से वो झड़ रहे हैं, वरना आपके बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे, बिना वजह आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो आज की इस रेमेडी में मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपसे जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही बेसिक रेमेडी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको एक दो बार मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होगा 2 प्याज और 1 पीस अदरक का। ध्यान रहे कि प्याज जो है हमेशा आप पर्पल कलर, जिसका जितना डार्क होगा उतना ही वो आपके बालों के लिए फ़ायदा करेगा, तो पर्पल कलर का ही चूज़ करें। उनको बारीक से काट कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद उसको एक कपड़े से निचोड़ लें या फिर छन्नी में डालकर उसका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद उसमें आप 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स मिला लें। उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल डालें। ये जो एलोवेरा जेल है ये फ्रेश लीफ का एलोवेरा जेल है। कोशिश करें कि आप ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करें, क्योंकि बालों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, कोई केमिकल आपके बालों में यूज़ नहीं होता। तो और अगर नहीं है तो फिर आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको अच्छी तरीके से मिला लें। और अगर आपके पास विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं है या फिर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को प्याज के रस से बहुत स्मेल आती है, तो उस केस में आप आधा नींबू काट कर उसका रस डाल लें तो उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और जब भी आप अपने सर को धोएं तो उससे आधा घंटा पहले आप अपने बालों में इस रस का इस्तेमाल करें। ये एक कॉटन मैंने यहाँ पे लिया है, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बाल जहाँ से कम हो रहे हैं या गिर रहे हैं, तो उस जगह पे फोकस करते हुए वहाँ पर अच्छी तरीके से इस रस को लगाएं। ऑल दो आपको पूरे स्कैल्प पे इस रस को लगाना है। आपको क्या करना है, आपको अपने बालों में स्टीमिंग देनी है। एक बर्तन में गर्म पानी कर लेना है, उसमें जो है फेस टॉवल को डुबोकर निचोड़कर अपने सर में जिस तरह से मैंने बांधा है उसी तरीके से बांध लें, और इसको तभी उतारें जब आप हेयर वॉश करेंगे। और इसके ऊपर जो है अब आपको एक जो भी अगर आपके पास शावर कैप अवेलेबल है तो शावर कैप यूज़ कर लें। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये एक पॉलीथिन ली है, पॉलीथिन को अच्छी तरीके से बांध कर सिक्योर कर लिया। इससे क्या होगा कि जो बाहर की हवा है वो आपके सर को नहीं लगेगी, और आपके सर में जो ये स्टीमिंग का प्रोसेस हो रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। इससे आपके स्कैल्प के पोर्स खुलेंगे, जो आपने अनियन का रस लगाया है सर पर वो आपके जड़ों तक जाएगा और आपको 100% रिजल्ट देगा। इस बात की आपको मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप इस नुस्खे को यूज़ करेंगे तो इसके बाद आपके बाल जो है बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। बस शर्त ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। हर वॉश में जब भी आप वॉश करें अपने बालों को तब आप इसको यूज़ करें, फिर आप देखिए रिज़ल्ट इतना कमाल का होगा कि आप खुद ही देख के शॉक हो जाएंगे और आपको लगेगा क्या ये सच में ही मेरे बाल है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे और आप मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।